नमस्कार, विस्तार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। विस्तार विशेष में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपकी बात करते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सिस्टम से सवाल पूछते हैं। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जो आज आग की लपटों में ऐसी घिरी कि पूरा शहर दहशत में आ गया। मंजर ऐसा था कि प्रशासन 4 घंटे तक पूरी तरह बेबस नजर आया। आग बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम सी लगने लगीं। आम जनता जिस तरह से परेशान हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा, हमारे जांबाज रिपोर्टर्स की आंखों देखी, इस रिपोर्ट में खास बात देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार के दोपहर शहर के लिए आग का तांडव लेकर आई। छोटी सी आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता रवि मिरी ने उस जगह को दिखाया जहां सैकड़ों की संख्या में तेल के ड्रम्स रखे थे, जिनमें हजारों लीटर ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करने वाला तेल रखा था। जब ये ड्रम फटने लगे तो गोदाम की 14 इंच मोटी दीवार भी दलकने लगी और दीवार से सीमेंट की परत उधड़ गई। ये आग कितनी भीषण थी, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस दीवार में जो सीमेंट का परत था वो भी उधड़ उधड़ के नीचे गिर गया है। नीचे देखिए, पूरा सीमेंट का मलबा नीचे पड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी, कितना ब्लास्ट हुआ होगा। और जो ड्रम देख रहे थे हम, जिसमें तेल था, यकीनन यही इसी के आसपास रहा होगा, तभी इतना बड़ा बड़ा ब्लास्ट हुआ, आवाज आई तो ये दीवार का जो मलबा है वो नीचे गिर गया। भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ। ये दीवारों पे पूरा नगर निगम द्वारा पेंटिंग की हुई थी, बहुत सब मिट गया, सब मिट गया। और ये दिवाली की परतें जो उखड़ रही है, शायद ये ब्लास्ट हुआ उसी से हुआ होगा। और यहाँ पर जैसे जो अग्नि जो आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत बढ़िया सहायता की और जहाँ जगह नहीं थी वहाँ दीवार। ना डर लगा था जब आग लगी थी तब, उस वक्त ऐसे लग रहा था कि ये भयानक रूप ना ले ले। भगवान की कृपा से ये ऐसा हुआ कि चलो जान हान का नुकसान नहीं हुआ, बाकी जो नुकसान हुआ और जो आग लगी है उसमें कई लोग भयभीत थे। राजधानी रायपुर में आग के तांडव से हर कोई घबरा गया था, चारों तरफ अफरा तफरी थी। आग की घटना कैसे और क्यों हो गई, इससे बड़ा सवाल सिस्टम पर था। 5 घंटे तक आग बुझी क्यों नहीं, अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ, आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बात राजधानी की है। भीषण गर्मी के दिनों में जिस इलाके में आग लगी वो रहवासी इलाका था। जिस जगह आग लगी वहाँ ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए आए थे। जिस जगह इस अग्निकांड में हजारों ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए, वहीं अब सूबे में बिजली संकट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आग में हुए नुकसान को रिकवर करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। 5 घंटे लगी आग के बाद इस आग का असर छत्तीसगढ़ की बिजली सप्लाई पर क्या होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ करीब 6000 ट्रांसफार्मर थे, इसमें कुछ नए ट्रांसफार्मर हैं, कुछ पुराने ट्रांसफार्मर हैं और कुछ रिपेयर के लिए ट्रांसफार्मर आए थे। और आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ती है, ट्रांसफार्मर ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, यहीं से उन इलाकों में ट्रांसफार्मर भेजा जाता था, जाएगा आने वाले समय में। अब ये स्थिति हो गई है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो वहाँ तुरंत पहुँचा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके साथ ही हम ये भी बता रहे हैं आपको कि इन ट्रांसफार्मर को आने वाले 6 महीने में रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो ये ट्रांसफार्मर अब पूरी तरह से कंडम होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में गर्मी के महीने में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, लिहाजा इस वक्त बिजली विभाग की मुसीबत बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है और इस अग्निकांड को लेकर सरकार का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। निश्चित रूप से रायपुर शहर में फायर की व्यवस्था करने के लिए और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अब आने वाले समय पर चुनाव के बाद हम रायपुर को आगजनी से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, कहीं पर आग लगे तो सभी प्रकार के साधन वाहन कैसे पहुंचे। नगर निगम को पहले पैसा भी मिला परंतु वाहन नहीं खरीद पाए, इसके कारण ये स्थिति बनी। आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन की व्यवस्था प्रॉपर हो। अग्निकांड से गुड़ियारी, रामनगर और कोटा क्षेत्र के हजारों लोगों को घर में सामान छोड़कर जाना पड़ा। बिजली और पानी की सुविधा से रायपुर की 2 लाख की आबादी भी प्रभावित है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है,
दर्जनों बिजली के खंभे भी जल गए हैं। इसे रिपेयर करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पेट्रोलिंग पर निकले हैं। उनका दावा है कि शनिवार सुबह तक बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। रात तक ठीक कर लेंगे भैया, रात तक मुश्किल है भैया। तो ये टीम है जो बिजली सप्लाई शुरू करने के लिए पेट्रोलिंग करने निकली है, और जितने खम्भे बिजली के जितने खम्भे जिसके कनेक्शन टूट गए हैं उसको रिकवर किया जाएगा, और आसपास इस गुड़ियारी के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में जितने मकान है, जितने घर दिख रहे हैं, उन सभी घरों में बिजली सप्लाई बंद है। और भी दोपहर 1 बजे से जब आग लगनी शुरू हुई उसके बाद से बंद है। तो इसी बिजली सप्लाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने जाते जाते हमको ये बताया कि रात भर में भी बिजली सब तरफ चालू करना मुश्किल है। ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग अब भी जारी है। जिस इलाके में आग लगी है वहाँ बिजली बंद कर दी गई है। यही वजह है कि पूरे इलाके में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। लोगों के राहत बचाव के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। जहां रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूढ़त भी पहुंचे और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने की उनसे खास बातचीत। देखिए इस इलाके के लोग कैसे खा पी रहे हैं, कैसे उनका जीवन अभी चल रहा है, क्योंकि पूरे इस इलाके में बिजली गुल है। देखिए यहाँ पर इधर दूसरे तरफ एक तरफ चावल पक रहा है तो दूसरे तरफ सब्जी बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर अब खाना बनाया जा रहा है, फिर इसी खाने को जो है लोगों तक पहुँचाया जाएगा। रायपुर पश्चिम के विधायक जो है राजेश मूढ़त पहुँचे हैं, और वो पूरे यहाँ पर खाना पीना जहाँ बन रहा है वहाँ पर खुद मौजूद हैं। राजेश जी, अभी तक आग की लपटें जो हैं उठनी बंद नहीं हुई? देखिए सामान्य रूप से कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई है। हजारों ट्रांसफार्मर वहाँ लगे हुए, वह एक डिपो था जहाँ रिपेयरिंग भी होते थे ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर भी थे, पुराने ट्रांसफार्मर भी थे। और जब दोपहर से ये आग की चिंगारियाँ लगी, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि आग पर काबू पाए, और आग पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ जनप्रतिनिधि जनता सब लोगों ने मिल करके सहयोग दिया। उसी से लगी हमारी ये बस्ती, ये कृष्णा नगर रामनगर का हिस्सा। यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान खाली कर दिए, घर से सिलेंडर थे उनको निकाल दिए ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता। अभी तक कारण पता चल पाया क्या कि आग कैसे लगी? अभी कहाँ से कारण पता चल जाएगा साहब इतनी जल्दी? अभी तो आग ही नहीं बुझ पाई है। आग बुझेगी, उसकी विवेचना होगी, जांच होगी, और ये घटनाक्रम कैसे घट गया, पुनः कभी ऐसी घटना ना घटे, इन संपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। तो ये देखिए राजेश मूढ़त है, रायपुर पश्चिम से विधायक हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, जो खुद यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना का व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में बिजली गुल है। तो फिर जितने भी इलाके के लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े डेग लगाए गए हैं, यहाँ मजदूर लग चुके हैं खाने के लिए, और यहाँ से जो है खाना बनकर लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। जैसा कि हमने पहले विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताया गया था कि हजारों ट्रांसफार्मर जो वहाँ रखे गए थे वो सब एक एक करके पटाखे की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। तो आखिरकार ये आग की लपेटें जो है कब तक रुकेगी, कब तक आग पर काबू पाया जाएगा, सवाल अब भी यही बरकरार है। कैमरामैन खेवराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।